नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 44वां भाग। विनय के घर जिस समय हरान बाबू आए हुए थे, उसी समय अविनाश आनंदमयी को यह सूचना दे रहा था कि विनय के साथ ललिता का विवाह तय हो गया है। आनंदमयी ने कहा, यह कभी सच नहीं हो सकता। अविनाश बोला, क्यों सच नहीं हो सकता? क्या यह विनय के लिए असंभव है? आनंदमयी ने कहा, वह मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी बड़ी बात विनय मुझसे छिपाकर कभी नहीं रखता। बार बार अविनाश ने दोहराया था कि उसने यह खबर ब्रह्म समाज के लोगों से ही सुनी है और इस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। विनय के अंत में ऐसी ही शोचनीय गति होगी, यह अविनाश बहुत पहले ही जानता था। यहां तक कि उसने गोरा को भी इस बारे में सचेत कर दिया था। आनंदमयी को यह बताकर बड़े आनंद से भरकर वह निचली मंजिल में महिम को भी यह संवाद सुनाने गया। आज विनय के आने पर आनंदमयी उसका चेहरा देखकर ही समझ गई कि उसके मन में कोई भारी क्षोभ पैदा हुआ है। भोजन कराकर उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर बैठाया और तब उससे पूछा, विनय तुझे क्या हुआ है, बता तो। विनय ने कहा, माँ यह मेरी चिट्ठी पढ़कर देखो। आनंदमय को चिट्ठी पढ़ चुकने पर विनय ने कहा, आज सवेरे पानू बाबू मेरे यहाँ आए थे, मुझे बहुत डांट फटकार कर चले गए। आनंदमय ने पूछा, क्यों? विनय ने कहा, उन्होंने कहा मेरे आचरण के कारण उनके समाज में परेश बाबू की लड़कियों की निंदा हो रही है। आनंदमय ने कहा, लोग जो कहते हैं कि ललिता के साथ तेरा विवाह पक्का हो गया है, इसमें मुझे तो निंदा की कोई बात नहीं दिखती। विनय ने कहा, विवाह होने का कोई मार्ग होता तो निंदा की कोई बात ना उठती, लेकिन जहां उसकी कोई संभावना नहीं है वहां ऐसी अफवाह फैलाना कितना बड़ा अन्याय है। खासकर ललिता के बारे में ऐसी बात उड़ा देना तो निरी कायरता है। आनंदमयी ने कहा, तुम में जरा भी पौरुष हो विनु, तो तू इस कायरता के चंगुल से ललिता को सहज ही बचा सकता है। विस्मय होकर विनय ने कहा, कैसे माँ? आनंदमयी ने कहा, कैसे क्या, ललिता से विवाह करके और कैसे? विनय ने कहा, तुम क्या चाहती हो माँ? अपने विनय को तुम न जाने क्या समझती हो? तुम सोचते हो विनय के एक बार मैं ब्याह करूंगा कह देने से दुनिया में और किसी के कुछ लायक कहने नहीं रहेगा, जैसे सब मेरे इशारे की प्रतीक्षा में मेरा मुंह ताकते बैठे हैं। आनंदमयी ने कहा, तेरे फालतू बातें सोचने की कोई जरूरत मुझे नहीं दिखती। अपनी तरफ से तू जितना कर सकता है उतना कर दे, बस। तू इतना तो कह सकता है कि मैं विवाह करने को तैयार हूं। विनय ने कहा, मेरी ऐसी असंगत बात कहना क्या ललिता के लिए और भी अपमानजनक ना होगा? तू इसे असंगत क्यों समझता है? जब दोनों के विवाह की चर्चा होने ही लगी है तो अवश्य विवाह को संगत मानकर ही उठी है। मैं कहती हूं तुझे इसे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। विनय ने कहा, लेकिन माँ गोरा की बात भी तो सोचनी होगी। दृढ़ स्वर में आनंदमयी ने कहा, ना बेटा, इसमें गोरा की बात सोचने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ वह नाराज होगा, मैं भी नहीं चाहती वह तुझ पर नाराज हो, लेकिन तू करेगा क्या? ललिता के प्रति अगर तुझ में श्रद्धा है तो तू यह कैसे देख सकता है कि वह समाज में सदा के लिए अपमानित हो जाए? लेकिन यह तो बड़ी कठिन बात थी। जेल की सजा पाए हुए जिस गोरा के प्रति विनय के प्यार की धारा दुगने वेग से बहने लगी थी, उसके लिए वह इतना बड़ा आघात तैयार करके कैसे रख सकेगा? फिर उसके संस्कार, बुद्धि से समाज को फलांग कर जाना सरल है, लेकिन कर्म से उसको फलांगने का मौका आने पर छोटी बड़ी कितनी ही अड़चने दिखती हैं। एक तरफ अज्ञात का भय, दूसरी तरफ जो अभ्यस्त नहीं है उसका विरोध, दोनों कोई युक्ति दिए बिना पीछे की ओर धकेलने लगते हैं। विनय ने कहा, माँ तुझे जितना भी देखता हूं अचरज बढ़ता जाता है। तुम्हारा मन
ना एकदम कैसे साफ हो गया? तुम्हें क्या जमीन पर चलना नहीं पड़ता? तुम्हें क्या भगवान ने पंख दिए हैं? तुम्हें कहीं कोई अटक ही नहीं दिख पड़ती? हंसकर आनंदमयी ने कहा, ईश्वर ने मुझे अटकाने लायक कुछ रखा ही नहीं, सब बिल्कुल साफ कर दिया है। विनय ने कहा, लेकिन माँ, मुंह से मैं चाहे जो कहूं मन तो अटकता है। इतना समझ बूझ पढ़ सुनकर तर्क करके अचानक दिखता है कि मन तो निरा मूर्ख ही रह गया। इसी समय कमरे में आकर महिम ने एकाएक विनय से ऐसे भद्दे ढंग से ललिता के बारे में प्रश्न किया, वह तिलमिला उठा, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल कर वह सिर झुकाए चुप बैठा रहा। इस पर महिम सभी के बारे में तीखे व्यंग से भरी अपमानजनक बातें कहकर चले गए। जाते जाते बता गए, इस तरह विनय को जाल में फंसा कर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता से आयोजन होता रहा है। विनय भोला था, इसीलिए उनके फंदे में फंस गया। गोरा को वे लोग फंसा सकते तब तो देखते, लेकिन वह तो टेढ़ी खीर है। विनय चारों ओर लांछित होकर स्तब्ध बैठा रहा। आनंदमयी ने कहा, जानता है विनय, इस समय तेरा कर्तव्य क्या है? मुंह उठाकर विनय ने उनकी ओर देखा। आनंदमयी बोली, तुझे एक बार परेश बाबू के पास जाना चाहिए, उनसे बात होते ही मामला साफ हो जाएगा। आनंदमयी को अचानक आए देखकर सुचेता ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मैं तो अभी आपकी तरफ ही जाने के लिए तैयार हो रही थी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, तुम तैयार हो रही थी या तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जिस लिए तैयार हो रही थी वह खबर पाकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए चली आई। आनंदमयी को खबर मिल गई है यह जानकर सुचरिता को और भी आश्चर्य हुआ। आनंदमयी बोली, बेटी, विनय को मैं अपने बेटे सा ही मानती हूँ। उसी विनय के नाते जब तुम लोगों को नहीं भी जानती थी तब भी मन ही मन अनेक आशीर्वाद दिया करती थी। तुम लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है, मैं यह खबर सुनकर कैसे रह सकती हूँ? मुझसे तुम लोगों का कोई उपकार हो सकेगा कि नहीं यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मन न जाने कैसा हो रहा था, इसलिए तुम्हारे पास दौड़ी आई। बेटी, विनय की तरफ से कोई अन्याय नहीं हुआ है? सुचरिता बोली, बिल्कुल नहीं। जिस घटना को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहा है उसके लिए ललिता ही उत्तरदायी है। ललिता अचानक किसी से कुछ कहे बिना स्टीमर पर सवार हो जाएगी, इसकी विनय बाबू ने कल्पना भी नहीं की थी। लोग इस ढंग से बातें बना रहे हैं मानो उन दोनों ने गुपचुप सलाह कर रखी हो। उधर ललिता ऐसी तेजस्विनी लड़की है कि वह प्रतिवाद करने या असल में बात क्या हुई इसकी कोई सफाई देने कभी नहीं जाएगी। आनंदमयी ने कहा, लेकिन इसका कुछ तो उपाय करना होगा। यह सब बातें जब से विनय ने सुनी है उसका मन बड़ा बेचैन हो गया है, वह तो अपने को ही अपराधी माने बैठा है। सुचरिता ने अपना लाल होता हुआ चेहरा कुछ झुकाकर कहा, अच्छा आप क्या सोचती हैं विनू बाबू? सकुचाते हुए सुचरिता को उसकी बात पूरा न करने देकर आनंदमयी ने कहा, देखो बेटी, यह तो मैं कह सकती हूं कि विनय को ललिता के लिए जो भी करने को कहोगी वह वही करेगा। विनय को बचपन से देखती आ रही हूं, उसने जब एक बार आत्मसमर्पण कर दिया तब कुछ बचा कर नहीं रख सकेगा, बल्कि इसीलिए बार बार मैं डरती हूं कि कहीं उसका मन उसे ऐसी जगह ना ले पहुंचे जहां उसे कुछ मिलने की कोई उम्मीद ना हो। सुचरिता के मन से एक बोझ उतर गया। वह बोली, ललिता की सम्मति के लिए आपको कोई चिंता ना करनी होगी, उसका मन मैं जानती हूं, लेकिन विनय बाबू क्या अपना समाज छोड़ देने को राजी होंगे? आनंदमयी ने कहा, हो सकता है समाज उसे छोड़ दे, लेकिन वह क्यों खामखा आगे बढ़कर समाज को छोड़ने जाएगा, उसकी जरूरत क्या है? सुचरिता ने कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ? विनय बाबू हिंदू समाज में रहकर ब्रह्म घर की लड़की से ब्याह करेंगे? आनंदमयी ने कहा, अगर वह करने को राजी हो तो तुम लोगों को इसमें क्या एतराज है? सुचरिता बड़ी उलझन में पड़ गई। यह कैसे हो सकेगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
आनंदमय ने कहा, मुझे तो यह बिल्कुल सीधी बात जान पड़ती है बेटी। देखो, मेरे ही घर में जो नियम चलता है उस नियम से मैं नहीं चल सकती, इसीलिए बहुत से लोग मुझे ख्रिस्तान कहते हैं। किसी काज कर्म के समय जानबूझकर मैं अलग ही रहती हूँ। तुम सुनकर हंसोगी, गोरा मेरे कमरे में पानी नहीं पीता। लेकिन इसलिए मैं यह क्यों कहने जाऊँगी कि यह घर मेरा नहीं है, यह समाज मेरा समाज नहीं है, ऐसा मैं तो कह ही नहीं सकती। गालियाँ और निंदा सब सिरे माथे पर लेकर भी मैं इस घर इस समाज को अपनाए हुए हूँ, इसमें मुझे तो ऐसी कोई अड़चन नहीं दिखती। कभी ऐसी मुश्किल आ ही गई तो आगे ऐसे ना चल सकेगा, तब तो जो रास्ता ईश्वर दिखाए उसी पर चल पड़ूंगी। लेकिन अंत तक जो मेरा है उसको अपना ही कहूंगी, वही यदि मुझे स्वीकार ना करे तो वह जाने। सुचरिता के सामने अब भी बात स्पष्ट नहीं हुई। उसने कहा, लेकिन ब्रह्म समाज की जो राय है अगर विनय बाबू की? आनंद मैंने कहा, उसकी राय भी तो वैसी ही है। ब्रह्म समाज की राय कोई दुनिया से अलग तो नहीं है। तुम लोगों के पत्रों में जो सब उपदेश छपते हैं वो अक्सर उन्हें पढ़कर मुझे सुनाता है, कहीं कोई अनोखी बात तो मुझे नहीं जान पड़ती। इसी समय सुचि दीदी, पुकारती हुई ललिता कमरे में आकर आनंदमयी को देखते ही लज्जा से लाल हो गई। सुचरिता का चेहरा देखकर ही वह जान गई कि अब तक उसी की बात हो रही थी। किसी तरह कमरे से भाग जाना संभव होता तो उसकी जान बचती, लेकिन अब भाग सकना संभव नहीं था। आनंदमयी कह उठी, आओ ललिता बेटी आओ, और ललिता का हाथ पकड़कर उसे उन्होंने अपने बहुत नजदीक खींचकर बिठा लिया, मानो ललिता उनकी कुछ विशेष अपनी हो गई हो। आनंदमयी ने अपनी पहली बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सुचेता से कहा, देखो बेटी, अच्छे के साथ बुरे का मेल बैठना ही सबसे कठिन काम है, लेकिन दुनिया में फिर भी वह हो ही जाता है, और उसमें भी सुख दुख से दिन कटते जाते हैं। हर समय उसमें बुरा ही हो ऐसा नहीं है, भला भी होता है। यह भी जब संभव हो सकता है तब मत में थोड़ा सा अंतर होने से ही क्यों दो जनों का मेल नहीं हो सकेगा? मेरी तो यह समझ में नहीं आता। मनुष्यों का असली मेल क्या मतवाद में है? सुचरिता सिर झुकाए बैठी रही। आनंदमयी ने कहा, तुम्हारा ब्रह्म समाज भी क्या मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिलने देगा? ईश्वर ने अंदर से जिनको एक बनाया है, तुम्हारा समाज बाहर से उन्हें अलग कर रखेगा? जो समाज छोटे छोटे अनमेल नहीं मानता, बड़े मेल में सभी को मिला देता है, ऐसा समाज क्या दुनिया में कहीं नहीं है? मनुष्य ईश्वर के साथ क्या ऐसे झगड़ा ही करता रहेगा? समाज नाम की चीज क्या केवल इसीलिए बनी है? इस विषय को लेकर आनंदमयी अपने आंतरिक उत्साह से उसकी विवेचना करने लगी। वह क्या सिर्फ ललिता के साथ विनय की विवाह की कठिनाई दूर करने के लिए ही? इस संबंध में सुचरिता के मन में एक दुविधा को पहचान कर उनका समूचा मन जो उस दुविधा को दूर करने के लिए आतुर हो उठा, उसमें क्या और भी एक उद्देश्य नहीं था? सुचरिता यदि इस तरह संस्कार से बंधी रहेगी तो कैसे चलेगा? विनय के ब्रह्म हुए बिना विवाह नहीं हो सकेगा। अगर यही सिद्धांत स्थिर ठहरेगा तब तो आनंदमयी ने पिछले दिनों में बेहद दुख के समय भी जो आशा की प्रतिमा गढ़ खड़ी की है वह धूल में मिल जाएगी। आज ही विनय ने उनसे एक प्रश्न पूछा था, कहा था, माँ क्या ब्रह्म समाज में नाम लिखाना होगा? वह भी क्या स्वीकार कर लूंगा? आनंदमयी ने कहा था, नहीं नहीं उसकी तो कोई जरूरत नहीं लगती। विनय ने कहा, वे लोग यदि जोर डाले तो? बहुत देर तक चुप रहकर आनंदमयी ने कहा था, नहीं इस बात में जोर नहीं चलेगा। आनंदमयी की बातों में सुचेता ने कोई भाग नहीं लिया, वह चुप ही रही। आनंदमयी समझ गई कि सुचेता का मन अभी गवाही नहीं दे रहा है। मन ही मन वह सोचने लगी, मेरा मन जो समाज के सारे संस्कार काट सका वह तो मात्र उसी गोरा के स्नेह के कारण। तब क्या सुचेता का मन गोरा की ओर आकृष्ट नहीं है? अगर होता तो इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी ना उठती।
आनंदमय का मन उदास हो गया। गोरा के जेल से छूटने में अब दो एक दिन ही शेष थे। मन ही मन वह सोच रही थी कि उसके लिए एक सुख का मार्ग उपस्थित हो रहा है। जैसे भी हो इस बार गोरा को बांध ही देना है, नहीं तो वह कहां किस मुश्किल में पड़ेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन गोरा को बांध सकना चाहे जिस लड़की के बस का तो नहीं है। इधर गोरा का विवाह हिंदू समाज की किसी लड़की से करना भी तो अन्याय होगा। इसीलिए अब तक कितनी ही लड़कियों के अभिभावकों की दरख्वास्त को अस्वीकार कर सकी है। गोरा कहता रहा है, मैं विवाह नहीं करूंगा। मां होकर भी उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लोग इस पर अचरज करते हैं। गोरा के दो एक लक्षण देखकर इस बार वह मन ही मन प्रसन्न हुई। इसलिए सुचरिता के निरव विरोध से उन्हें पीड़ा हुई। लेकिन वह सहज ही पतवार छोड़ देने वाली नहीं है। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा देखा जाएगा। धन्यवाद।